खिलौनों से खेलना कितना मजेदार होता है। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। यह आवाज क्या है? लगता है किसी को शेफ की मदद की जरूरत है। मैं आ रही हूँ। कौन रो रहा है? मुझे अपनी बहन को तुरंत बचाना होगा। टॉम तुम्हारे लिए आ रहा है। क्या हुआ? तुम्हारी दादी आ रही है तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। मैं खाना खाना चाहती हूँ, खाना चाहिए। बेचारी बच्ची। तो अब हमें क्या बनाना होगा? मुझे एक डोनट चाहिए, मेरे लिए डोनट्स बनाओ। ये तो आसान है। हाँ हाँ, यह हो जाएगा। अच्छी च्वाइस है। क्या उन्होंने अभी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है? चलो, आटा तैयार है। डोनट्स को इस कटर से मैं काट लेती हूँ। 3 टुकड़े सही होंगे। यह फ्राइंग पैन को गर्म करने का समय है। मुख्य बात सही तापमान सेट करना है। हाँ, मैं अच्छे से तेल डालती हूँ। हाँ, यह आसान लग रहा है। टॉम, अपनी दादी को हार्ट अटैक मत दो। रिलैक्स दादी, सब ठीक है। ओप्स, अब आगे क्या करना है? तेल। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसके गर्म होने का इंतजार करना होगा। क्या वो दोनों अभी से पितल भी रहे हैं? ठीक है ठीक है, तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ। 1, 2, 3। ओह माय गॉड, तेल पूरा मेरे ऊपर छिड़क गया। टॉम, तुमने इतना क्यों डाला? हाँ सच में, मुझे अपने डोनट्स को बचाना होगा। अरे बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। यह पूरा फेल हो गया है। नहीं, ओह, चिंता मत करो बेटा। चलो, मेरे डोनट्स लगभग तैयार है, अब मैं उन्हें सजाऊंगी। चलो इसे यहाँ से काट दे। हाँ, एक इंसान अपनी आंखों से खाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। बेलिसिमो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन मेरे डोनट्स फिर भी सजावट के बिना बेहतर होंगे। Awesome. इस तरह से। आपने कितने अच्छे डोनट्स बनाए हैं। और मैं, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, थोड़ा चीज इसे डोनट्स के आकार में डाल देता हूँ। हाँ बढ़िया। मैं सजावट के लिए अपने फेवरेट चीटोज लूंगा। और अब हथौड़े की बारी। क्या ये जानता भी है कि डोनट क्या होता है? बढ़िया, अब मैं इसे स्प्रिंकल की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से। हाँ, ये से एकदम सही होना चाहिए। बढ़िया, पर किसी चीज की कमी है। ओ दादी, क्या मैं आपसे यह ले सकता हूँ? अच्छा ले लो। धन्यवाद। फ्राइंग पैन को बाहर फेंको, ये स्टोव काम आएगा। अब मुझे फॉइल चाहिए। मैं अपने चीज डोनट्स को लपेटूंगा और उन्हें सीधे स्टोव पर सेकूंगा। लगता है कि सब कुछ तैयार है। एकदम सही, अब मैं इसे परोस सकता हूँ। यह यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा और इतना अलग। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, और अंदर एक फीलिंग भी है। ये सच में स्वादिष्ट है। तो यहाँ क्या है? क्यूट है, चलो खाकर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ एक डोनट है? नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है। और यह क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, ये चीज डोनट है। यह तो कमाल का है, पर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ हाँ, मैं जानती थी मैं ही जीतूंगी। और अब आगे मुझे सैंडविच चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकती। ओह ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला चाहिए। यह रहा। बढ़िया है। और अब आगे मुझे मार्शमेलो चाहिए। चलो इसे सजाते हैं।
एकदम सही। और हाँ, एक चॉकलेट बार। और यहाँ, और मैं इसमें रेनबो गमी डालूंगा। सॉस और कुछ और मीठे को नहीं भूलना है। और अब यह तैयार हो गया और सबसे खूबसूरत दिख भी रहा है। बढ़िया, थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डालता हूँ और इस तरह से। यह अच्छा नहीं है, इतनी चीनी। मैं एकदम साधारण सैंडविच बनाऊंगी। थोड़ा हैम, चीज और अब बस इसे सेकना बचा है। ओवन चालू कर दिया और यह तैयार हो रहा है। परफेक्ट, वाह, और यह एकदम तैयार हो गया। ओह यार, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो चलिए पहले ब्रेड को अच्छे से फ्राई करते हैं। एकदम सही। सलाद पत्ता, टमाटर और आप सैंडविच और मीट के बिना, यह क्या है? मेरे सैंडविच का सीक्रेट सामग्री या घोंगे हैं। इस तरह से, ओह यह भयानक है। बस हमें इसे इसके शेल से बाहर निकालना होगा। ओह, मुझे इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। ओह, मैं इन व्यंजनों के बारे में कभी समझ नहीं पाई, कितना भयानक है। और वे शेल्स और ये मसल्स मेरे सैंडविच के लिए एकदम सही रहेंगे। ओह, यह क्या गड़बड़ है, कितना डरावना है। इसे हाउ के व्यंजन कहा जाता है। पर अभी भी किसी चीज की कमी है। डोर ब्लू चीज या सी फूड के साथ अच्छा लगता है। बस अब हो गया, यह फाइनल टच है। दादी, बस यह हो गया। ओह, कितना भयानक है। तो क्या आप तैयार हैं? वाह, कूल सैंडविच। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। छी, यह क्या है? यो, छी छी छी, क्या गड़बड़ है? ओह नो, यह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे मीठा पसंद है, बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, तो अब यह अंतिम वाला। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एकदम सही है। दादी, आप जीत गई। हुर्रे, मैं जीत गई। अच्छा, तो अब आगे क्या है? अब मैं चाहती हूँ सीजर सैलेड। ओह कूल, वाह, आखिरकार। और यह क्या है? चलो शुरू हो जाता हूँ। टमाटर काटना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ओह यह क्या है? ओह तुम रुको टमाटर, मैं बस तुम्हें काट कर ही रहूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहो यंग मैन, ये बहुत आसान है। देखो, एक और दो, बस हो गया। एक और दो, बस अब इसमें सलाद के पत्ते मिलाना है। और बिना चिकन के कैसा सीजर सलाद? और इसे काट कर डालना है। हाँ, एकदम सही। ओह, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा ताजा अरुगला और ढेर सारा बटर, सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से फेंटे। चलो शुरू करते हैं। एकदम सही। ओह, ये तामझाम। हमें एक छोटे सॉस पैन की आवश्यकता होगी। हम इसमें सभी लिक्विड डालते हैं। ओह, आखिर वह कर क्या रही है? मुझे पता नहीं है। अजीब है। एक बड़ी सिरिंज और एक ट्यूब। अब एक जादू होगा। अब इसका एक सॉसेज बनेगा। चलो, सैलेड पत्ते, टमाटर और निश्चित रूप से चिकन डालें। ऐसे टुकड़े ठीक रहेंगे।
और थोड़े क्रूटॉन और निश्चित रूप से चीज। और अब यह तैयार है। हाँ, मैं लगभग भूल गई थी, मुझे कुछ चीज को ग्रेट करने की जरूरत है इस तरह से। अरे ये क्या हो रहा है, सब्जियाँ काटना बहुत मजेदार है। ओह, फिर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है, मेरे पास ये कूल गम है, मैं इसे लेटस के पत्तों के रूप में उपयोग करूँगा। ओके। और ये गमी आइस, और डिश को सजाने के लिए मार्शमेलोस और गमी बम्स डालता हूँ, और अब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ, देखो यह तैयार है, यह पूरी तरह से बेस्वाद है। केट, हम तैयार है, चलो देखते हैं, मैं उसके साथ शुरू करूंगी। यह क्या है? आ, आ, छी, क्या गड़बड़ है, निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ क्या है? हाँ हाँ, सलाद, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ कुछ दिलचस्प। ये बहुत स्वादिष्ट है, यह निश्चित रूप से एक विजेता है। हुरे! हाँ, विक्ट्री, ये! कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पकाते हैं और कैसे, यह महत्वपूर्ण है कि आपको यह पसंद आना चाहिए। हाहा नाम को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें।